फाजिलका के ताजा समाचारों में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर आज की सुर्खी पर। शहीद अमर शीर सिंह पंचतत्व में विलीन, सेना प्रशासन और गांव वासियों ने दी श्रद्धांजलि। अब खबर विस्तार से। सेना की 13 सिखलाई रेजिमेंट में तैनात फाजिलका के गांव जोट की अंधेवाला वासी अमर शीर सिंह 5 मार्च को असम में आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। वीरवार को राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस अवसर पर आर्मी ब्रिगेडियर गौरव शर्मा, एसडीएम फाजिलका बलबीर राज सिंह, तहसीलदार दर्शन सिंह के अलावा निकटवर्ती गांवों से आए हुए हजारों लोगों ने शहीद अमरशीर सिंह को श्रद्धांजलि दी। अमरशीर सिंह भूमिहीन किसान सुखमंदर सिंह का इकलौता बेटा था, जिसके सहारे परिवार का पालन पोषण हो रहा था। बुधवार को शहीद के पार्थिव शरीर को वायुयान के द्वारा दिल्ली लाया गया था। वीरवार को सुबह 10 बजे शहीद का पार्थिव शरीर दिल्ली से आर्मी ट्रक से लाया गया तो गांव में उपस्थित हजारों लोगों की आंखें नम हो गईं। 13 सिखलाई रेजिमेंट के वरिष्ठ अधिकारी जब शहीद सैनिक का पार्थिव शरीर लेकर आए तो हजारों की भीड़ ने अमरशीर सिंह अमर रहे, भारत माता की जय के नारे लगाए। शहीद अमरशीर की पत्नी वीरपाल कौर अपने हाथों में लेकर अपने पति के चेहरे को चुपचाप देख रही थी। उसके मन में कई सवाल थे जिसका जवाब उसका पति नहीं दे सकता था। सेना में 10 वर्ष सेवा निभाने वाले 13 सिखलाई रेजिमेंट में तैनात अमरशीर सिंह सोमवार को असम बॉर्डर पर एक आतंकी हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसकी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। तिरंगे में लिपटे शरीर के पार्थिव शरीर को पहले पैतृक निवास पर रखा गया, जहां पर हजारों लोगों ने शहीद के अंतिम दर्शन किए। घर से आर्मी बैंड की अगुवाई में शहीद के पार्थिव शरीर को गांव के शमशान घाट लेकर आया गया, जहां सैनिक अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा शहीद के ऊपर पुष्प चक्र अर्पित करके सैनिक टुकड़ी द्वारा हवा में गोलियां दाग कर शहीद को सलाम किया। शहीद अमर सिंह की पत्नी वीरपाल कौर व शहीद की माता परमजीत कौर को गांव की महिलाएं व परिजन ढाढ़स बंधा रहे थे। 12:40 के करीब शहीद के पार्थिव शरीर को पिता सुखमंदर सिंह के भाई के बेटों ने मुखाग्नि दी। इस अवसर पर ब्रिगेडियर गौरव शर्मा ने कहा कि शहीद हुए अमरशीर सिंह ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की है। इस दुख की घड़ी में फौज शहीद परिवार के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। जो है आज हमको हमारे साथ नहीं रहा, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इसने अपने देश की रक्षा में जान दी है और हमारी पूरी फौज को इस पर फख्र है और हमारी कोशिश रहेगी कि इसके परिवार का पूरा पूरा ख्याल रखा जाए। धन्यवाद सर। शहीद के पिता सुखमंदर सिंह ने अपने को संयत करते हुए मीडिया से कहा कि उनका बेटा देश के लिए शहीद हुआ है, अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसके परिवार की सहायता करे, क्योंकि जी मेरा बेटा ओवरसीज जो शहीद होया का देश लई उसने जिंदवारी आ का जो उसकी पत्नी है वीरपाल कौर तो बच्चियां ता सरकार नू मैं एक हाथ जोड़ के बेनती करदा कि उन्हां दे उत्ते तुसी दोनों बच्चियां ते उस वीरपाल उत्ते आप हाथ जोड़ के उन्हां दा टाइम जो भी आ अगे बतीत तुसी करो। क्या बच्चियां वास्ते परिवार च होर कोई कमाण वाला है? होर कोई कमाण वाला उही साडा पुत सीगा जी, एक एक उसे दा सानू सहारा सी, उसे दा सानू हौसला सी, ते जदों साडा हौसला क्या तो सानू कमा के कौन की डिमांड की करते सरकार तो की चल रही। डिमांड सरकार तो यह है जी, जो मेरी लड़की हैगी नौ मेरी उही हुण मेरा पुत ओवरसीर आ, उही मेरी धी आ, जो सरकार वालों उसनू किसी भी तरह की कोई नौकरी जा कोई किस तरह आदियां बेटियां वो पाल सके। क्या तुम चाहोगे कि वो तुहाडे बेटे परिवार जो शहीद होया उनके नाम से पिंड के नाम से कोई यादगार चीज़ ऐसी बने? यादगीर जी कोई बननी चाहिए या कोई गेट
जा कोई स्कूल दे विच जो भी किस तरह की हैगी सरकार उसकी यादगिरी तैयार कर दे तो असं धन्यवाद ठीक।